वानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। आखिर 84 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आज नीतीश कैबिनेट का हुआ विस्तार। राजभवन के मंडप में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। आखिरकार 84 दिनों के लंबे इंतजार के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो ही गया। राष्ट्रभवन के मंडप में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय गान के साथ शुरू हुआ, जिसमें बीजेपी के 9 और जदयू की तरफ से 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में दोनों पार्टियों के कुल 17 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सबसे पहले बीजेपी कोटे से शहनवाज हुसैन उर्दू में मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि शहनवाज हुसैन बीजेपी का एक मुस्लिम चेहरा है। हाल ही में उन्हें बीजेपी की तरफ से विधान पार्षद भेजा गया। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में शहनवाज हुसैन की अच्छी पकड़ है। शहनवाज हुसैन के बाद दूसरे नंबर पर नालंदा के जदयू विधायक श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। बालू माफिया पर कसा पुलिस का सिकंजा, लाइनर सहित 7 धंधेबाजों को किया गया गिरफ्तार। बालू माफिया हर दिन नई नई तरकीब लगाकर जिले में अवैध बालू का कारोबार कर रहे हैं। इसी तरह के खेल का उक्त पर्दाफाश किया गया है। जब पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद के आदेश पर डीएसपी ने दीप नगर इलाके में कार्रवाई की, जिसमें पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य प्राप्त हुए। पुलिस ने मौके से बिना नंबर के डॉक्टर का पर्चा चिपका सेंट्रो कार को जब्त किया, जिसमें बैठे धंधेबाज लाइनर का काम किया करते थे। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 10 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में नीतीश कैबिनेट की विस्तार के बाद मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लग चुकी है। बिहार एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, देसी कार्बाइन के साथ हथियार तस्कर को किया गया गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने भोजपुर जिले में कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर का नाम छोटू बताया जा रहा है, जिसे सहारा थाना क्षेत्र के एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप वैन में तहखाना बनाकर की जा रही थी शराब की तस्करी, भारी मात्रा में जब्त की गई शराब एक कारोबारी चढ़े पुलिस के हत्थे। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन बावजूद तस्करों ने इन दिनों शराब की कमाई का जरिया बना लिया है। ताजा मामला नवादा के रजौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां समेकित जांच चौकी के पर तैनात उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की है। बंगाल और असम चुनाव को लेकर तेजस्वी ने की बैठक, दिल्ली में बनी रणनीति। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने के कारण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों दिल्ली में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और असम चुनाव के मद्देनजर आरजेडी की रणनीति तैयार होगी। इसे लेकर तेजस्वी ने दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारिक सिद्दीकी और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक इस बैठक में मौजूद थे। पटना में फिर मर्डर, फिर से पटना में थर्राया गोलियों की आवाज। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को मार दी गोली। बिहार में अपराध का ग्राफ नीचे होने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि कोई भी घटने को अंजाम देकर वो फरार हो जाते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से आई है, जहां अपराधियों ने कुछ ही घंटे के भीतर एक और बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शख्स को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। पटना पुलिस के अधिकारी इस घटना की छानबीन में जुटे हुए हैं। 6 दिनों से लापता युवक को नहीं खोज पाई पुलिस।
थाना के पास आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। 6 दिनों से लापता युवक की बरामदगी नहीं होने से गुस्साए लोगों ने बलिया थाना का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड में ग्लेशियर हादसे में बिहार के 4 लोग हैं लापता। कई घंटे बाद भी संपर्क नहीं होने से परिजन हैं परेशान। उत्तराखंड के चमेली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 171 लोगों की तलाश अभी जारी है। पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। तपोवन टनल में अभी भी 37 लोग के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किलें हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। ऐसे में एक बड़ी जानकारी हाथ लगी, जहां बताया जा रहा है कि बिहार के 4 लोग लापता हैं, जिसमें बिहटा के एक इंजीनियर भी शामिल है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क। सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437।